सुहेल काजमी जी, आपका भी शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत पानी पानी हो गया। गुजरात के सूरत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में जलभराव हो गया है। भारी सड़कों पर पानी में गाड़ियां फंस गई, घरों में पानी भरने से लोग बेहद परेशान हैं। गुजरात के सूरत की ये तस्वीरें भी अब आप देखिए, कई इलाके ऐसे जहां पर कई फीट तक भर चुका है पानी। भारी परेशानी इसकी वजह से लोगों के सामने है। जनजीवन पूरी तरह से हो गया है अस्त व्यस्त, क्योंकि घरों में घुस चुका है पानी। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, कई गाड़ियां बीच में ही फंस गईं। पानी बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां खराब हो गई हैं। जाम की स्थिति से भी दो चार लोगों को होना पड़ रहा है। वाहन खराब होने की वजह से पैदल ही पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मजबूरियां इस कदर हैं, घरों से बाहर निकलना भी कुछ कामों के लिए ज़रूरी होता है, और जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो फिर परेशानी और ज़्यादा उनके सामने है। बारिश ने पूरे सूरत को कर दिया पानी पानी। ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के सूरत की, मूसलाधार बारिश सूरत में। अलर्ट आगे को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अभी जारी किया गया है। और ना सिर्फ सूरत बल्कि गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हालात इसी तरह के हैं, जहां पर स्थितियां इसी तरह से बिगड़ी हुई हैं। वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या कई इलाकों की, जिनमें गुजरात का सूरत भी शामिल है। सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है, पहिए धीरे हो गए हैं, धीमे हो गए हैं गाड़ियों के। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित बहुत ज़्यादा हो रहा है। निचले इलाकों में खासतौर पर जो घर हैं वहाँ पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो चुका है। कई इलाकों में लोग अपने घर भी छोड़ने को मजबूर हैं। इस सूरत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर सैलाब है। पानी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से बीमारी फैलने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है मानसून में पहले से ही। और अब जब कई फीट तक पानी सब जगह है, सड़कों पर, घरों में, दुकानों में, मकानों में, तो ऐसे में और ज़्यादा लोगों को डर सता रहा है बीमारी फैलने का भी। रात की ये तस्वीरें हैं सूरत की, जो आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। गुजरात के और भी कई ज़िले ऐसे हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं, प्रभावित हैं। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाम बताने पर अंतरिम रोक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकानदार को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। अब अगली सुनवाई पूरे मामले पर 26 जुलाई को होगी, और इसे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये झटका है यूपी सरकार के लिए। हालांकि किसी अन्य राज्य में बीजेपी की ओर से ये आदेश लागू नहीं किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से ये कहा गया था, आदेश जारी किया गया था कि खास तौर पर मुख्य तौर पर कावड़ यात्रा का जो मार्ग है, उन रास्तों पर जो जो दुकानें हैं, रेढ़ी पटरी हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सभी को अपनी पहचान उजागर करनी होगी, सभी पर नाम होना चाहिए विक्रेता का, दुकानदार का, होटल मालिक का। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक एनजीओ की ओर से योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई, याचिका दाखिल की गई, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला। अगली सुनवाई हालांकि 26 जुलाई को होगी, लेकिन अभी अंतरिम रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए राहत है जो कि विरोध कर रहे थे सरकार के इस फैसले का। कई लोग समर्थन में आए थे, कई लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है सरकार का, लेकिन कई लोग